नमस्कार दर्शक बंधु, गत वर्ष भारतर फिस्कल टार्गेट फिस्कल डेफिसिट टार्गेट थिला 5.9% आउ एई वर्ष 5.8% को सेटा कन्वर्ट हेछि। तार टार्गेट टा एतिक निया हेछि। वर्तमान फिस्कल डेफिसिट कोन बोले आमे कोन बुझिछु? फिस्कल डेफिसिट अर्थ वर्तमान धरनेतु मोर घरे मु जहा रोजगार करछु, मु ए जो सेही हिसाब रे मोर एक्सपेंडिचर करछु, एई एक्सपेंडिचर टा मोर जदि बढि जिवो तले मु से पैसा रा कोठ आनिबि, से पैसाटा आउ गोटे काठू लोन नेकरी आसवि। सेमती गवर्नमेंटर जहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हूँ, जहाँ सब ये देश भितर जहाँ बनुच्छे, जहाँ अर्थ आसुच्छे, से अराउंड 5.9% आम जो फिस्कल डेफिसिट डिफरेंस जो स्पेंडिंग आउ अर्निंग भितर जो रोला 5.9% अफ दैट। तो सहीटा को यही वर्ष से कमी जाइए 5.8% आउ 2025 को तार टार्गेट 5.1% रही। एथरे इम्पोर्टेंट एटा जे जदि मोर एई फिस्कल डेफिसिट जदि जो मोर कमी जाउची, ता माने मो पाखरे कम पैसा मते लोन नबा को पड़िबो। आउ द्वितीय जिनस कोन, मोर एठी जो जहा पैसाटा एक्स्ट्रा किछ पैसा रहला, किछ पैसा मोर बाकी रहबो जोटा कि जो मार्केट को जाई परबो। बर्तन जदि जो लोअर फिस्कल डेफिसिट जदि हमर रहला, ताले कोन हबो मार्केट को सेटा जिवो। सेला मार्केट को केमती जिवो ना आरबीआई पाक को आसिबो। आरबीआई पाखरे से जो गच्छित धन को आरबीआई कौन करिबा, आरबीआई अन्यान्य सेंट्रल बैंक को देपरिबो। आरबीआई जो दर रे से अन्यान्य बैंक को धरने तो आरबीआई देला, एसबीआई को देला, पीएनबी को देला, जो सब बैंक गुडा को से जो जहां पैसा दउची, से पैसा टा को जो रेट रे दिए, से रेट टा को हाजे रेपो रेट। बर्तमान जदि जो मो पाखरे बेसी पैसा अछि, मु ए जो टिके कम दर रे मु अन्य मानु देबी, जदि अन्य मानु मु जदि कम दर रे देबी, बैंक मानक पाखरे बर्तमान अधिक पैसा मिलला। बैंक पाखरे अधिक पैसा मिलले कोन हुए ना, गोटे कॉमन मैन गोटे साधारण लोक बर्तमान जीव बैंक पाखु जाइकर ये जो सी गोटे छोटा बिजनेस स्टार्ट करिया चाहन्छु, गोटे चासी जाउछि कि एई थरकर चास पे ताको ए जो किछ पैसा रा आवश्यकता अछि, सेई जिनसटा अधिक अवेलेबल हेइ परिबो, रेट अफ इंटरेस्ट कमी जाइ परिबो, जहाँ फल कि मार्केट को अधिक पैसा रो इनफ्लक्स हबो आउ इकोनोमीटा बूस्ट कर परिबो। हाँ, एटा रोड साइड इफेक्ट भी अछि। साइड इफेक्ट एटा कि इट माइट लीड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माने कोन, दरदाम माने छोटे छोटे जिनस दरदाम बहुत बढ़ी जिवो, किंतु दरदाम बढ़िबार सहित एटा गोटे इकोनोमी को बूस्ट करिवार गोटे बाट आउ आमको एटा गोटे पॉजिटिव दिगरे देखिया दरकार। एथिरे मते आउ गोटे जिनस कहिया दरकार कि गवर्नमेंट कोन करे, जदि धरनियंतु मो पाखरे मु किछ पैसा रोजगार करछु, मु धरने तो मासक लक्ष टका मु रोजगार करछु, एबे ई 1 लक्ष टका रे मु जहा जिंस किनिबी बिकिबी जहा करिबी, किंतु मु 1 लक्ष टका ठरो जदि अधिक जदि करिया पे चाहिबी, माने मते एबे दरकार 1.5 लक्ष टका रे खर्च अछि मोर एई वर्ष, तो एई 50,000 टका टाको मु इधर लोन करि परिबी। नहले आउ गोटे बाट अछि, आउ गोटे बाट कोन, मो पाखरे ए जो किछि सुना अछि मु से सुना टाको बिकी देली, किंवा मो पाखरे गोटे जमी अच्छी मो जमी को बिकिली, केमती किसी गोटे करी। सेमती सरकार पाखे विभिन्न प्रकार जो एसेट्स एसेट्स मान जमी जो सरकारी कंपनीज गुड़ा से डिसइनवेस्टमेंट करा जाए। डिसइनवेस्टमेंट मान तार पब्लिक शेयर्स बाहर करा जिवो, किसी सेल करा जाए, एमती करी से भितर पैसा टा बाहर करती। तो भारत में जहाँ टार्गेट थिला डिसइनवेस्टमेंट रो, से टार्गेट टा एई वर्षर 50,000 कोटी थिला, ताको 30,000 कोटी करा जाइछि, एवं एई टार्गेट टा 2025 पई 50,000 कोटी रखा जाइछि। 2025 को जेहेतु 50,000 कोटी रखा जाइछि, सेति पई फिस्कल डेफिसिट टा 2025 रे 5.1% देखो छि, जेतबेले कि एई वर्ष 5.8% माने पूर्व वर्ष ठारु 0.1% एटा कमिछि। ए जो डिसइनवेस्टमेंट हबा फल रे हमर कौन टा बेनिफिट हुए ना, ए जो पैसा टा आसला, ए एक्स्ट्रा पैसा टा हमर कौन ला, मो पाखे जो एक्स्ट्रा पैसा हला तो सेथि में मते लोन नबा पे पड़िला नहीं, फर्स्ट गवर्नमेंट को लोन नबा पे पड़िबनी। द्वितीय कौन, से एक्स्ट्रा पैसा टा को गवर्नमेंट मार्केट को पुश कर परिबो, जोटा टूरिज्म, हेल्थ सेक्टर, किंबा आपण हाउसिंग, रियल इस्टेट, ए सब तक सेक्टर रे से माने ए जो डेवलप करि परिबे। आउ गोटे जिनस कौन, ए जो डिसइनवेस्टमेंट रो आसीथिबा पैसा गुडा सेटा आहुरी एनकरेज करे लोक मानंगु भारत रे आसिकरी, किंबा भारत रो विभिन्न नुआ नुआ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को से एनकरेज करिबा, जहा फल रे कि सेमाने गोटे जो नुआ उद्योग रो सृष्टि करि परिबा आउ अर्थ उपार्जन रो नुआ नुआ बाटो हि परिबो। एथिरे गोटे आउ गोटे जिनस एठी इम्पोर्टेन्ट गोटे होचे फाइनेंशियल माने फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन कहले आमे कौन बुझू, माने फिस्कल कंसोलिडेशन माने किछि जिनस मते जो करिबा दरकार
ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଅବାନ୍ତରିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ। ଅବାନ୍ତରିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଆଜେ ବାଜେ ଜିନିଷରେ, ଗୋଟେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲି, ବହୁତ ପଇସା ଖାଲିଟାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି, ତ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଦରକାର। ସେ ଏଇ ବାଲାନ୍ସଟା କେମିତି କରାଯାଏ ନା, ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ବାଲାନ୍ସଟାକୁ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଦେଖୁ, ସେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସେ, ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହୁଏ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ। ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇ ଚାଲିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ଲାଇଓଭର୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ବନେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଏଇ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଡିସ୍ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କିଛି କିଛି ପାର୍ଟ ନେଇକରି ସରକାର ଚାଲିବ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା ଆସିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏଇ ସବୁତକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ବୁଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ସରକାରକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବା କି ଏଇ ସବୁତକ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ, ଯାହା ସବୁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଏଇ ସବୁତକ ଜିନିଷ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଥିଙ୍ଗ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଥିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଆଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଗଡ଼ି 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 ଚାଲିବ। ରାସ୍ତା ଆଜି ବନିଗଲା, ସେ କାଲି ସକାଳେ ଭାଙ୍ଗିବନି, କି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜି ବନିଗଲା, କାଲି ସକାଳେ ସେ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବନି। ସେଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ସୋସାଇଟି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା। ୟା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦିଏ କି ଭାରତ ସରକାର ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ଓଭର୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଛି, ୱିଚ୍ ଶୋଜ୍ କି ଲୋକମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଫର୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ରେ ଆମର ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେବା କଥା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଦେଖାଏ କି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସରକାର ଉପରେ, କେତେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉ ପ୍ରଗତି ଉପରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଗତିର ଯୋଉ ବାଟଟି ଚାଲିଆସି ସେଇଥିରେ ସେମାନେ କେତେ ଅଧିକ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି।